मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं मोलर मास का जो होमवर्क मैंने क्वेश्चंस दिया था, ओ माई स्वीट ग्रीन एप्पल कंपाउंड को मर्ज करना और उसके बाद उसका मोलर मास निकालना। मैंने लास्ट लेक्चर में बच्चों आपको सिखाया था, आज का हमारा जो केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट का जो लेक्चर है उसमें हम सीखने वाले स्टूडेंट क्या सीखने वाले हैं, जो कल का कॉन्सेप्ट था ओ बोले तो ऑक्जेलिक एसिड। मैंने आपको कहा था ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C OH सिंगल बॉन्ड C OH ऑक्जेलिक एसिड। ओ माई, माई का मतलब होता है मेलोनिक एसिड, ध्यान देना। मेलोनिक एसिड में क्या होता है, C OH के बीच में एक CH2 आ जाता है, फिर C OH मेलोनिक एसिड। स्वीट में क्या आएगा बच्चों, सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान देना। सक्सिनिक एसिड C OH के बीच में 2 times CH2, मतलब CH2 एंड देन C OH। ओके, ओ माई स्वीट ग्रीन एप्पल, आई होप आपने कर लिया होगा। ग्रीन का मतलब ग्लूटामिक एसिड, ध्यान देना बच्चों। ग्लूटामिक एसिड का क्या होता है, C OH सिंगल बॉन्ड CH2 3 times, 1, 2 and 3 times आफ्टर दिस C OH, ये हो गया ग्लूटामिक एसिड। आफ्टर दिस एडिपिक एसिड, ओ माई स्वीट ग्रीन एप्पल, एप्पल का मतलब एडिपिक एसिड। ये लर्निंग टिप्स है बेटा, वापस याद रखना। इसके बीच में कोई CH2 नहीं, हियर 1 times CH2, हियर 2 times CH2, यहाँ 3 times CH2 और COS दोनों एंड पे। इसके बाद एडिपिक एसिड का फॉर्मूला क्या हुआ करता है बच्चों, एडिपिक एसिड का फॉर्मूला हुआ करता है C OH और इसके बीच में CH2 4 times, 1 time, 2 time, 3 time and 4 times और फिर C OH एंड पे, दोनों एंड पे। अब आपको मैंने क्या सिखाया था कल, मोलर मास निकालना। बच्चों आपने होमवर्क कर लिया होगा, नहीं समझ में आया तो मुझे पूछ लो। इस कंपाउंड को मैं ज्वाइंट कर लूँ, हियर कार्बन कितने, 2 carbon, ऑक्सीजन कितने, 4 oxygen एंड हाइड्रोजन 2। अब इसका मोलर मास निकालना है, तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कैसे निकालोगे मोलर मास बच्चों। इनको क्या करो, 2 carbon + 4 oxygen + 2 hydrogen ऐसा रख लीजिए बच्चों। अब क्या करो इसको, 2 into carbon, कार्बन का मास 12 प्लस 4 into oxygen का मास 16 प्लस 2 into hydrogen का मास 1.008 होता है, राउंड अप मैंने 1 ले लिया, तो 24 प्लस 16 फोर जा 64 प्लस 2, इस पूरे को सम कर लो कितना आ जाएगा बच्चों, आई होप 90। तो ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास कितना होता है, 90 ग्राम। इसी तरह से इसको मैं ज्वाइंट करने की टेक्निक आपको बता दूं, कैसे करना है ज्वाइंट इसको। हेयर कार्बन कितने, 1, 2 और 3, तो लिख लीजिए बच्चों C3। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 और 2 4, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने, 2 और 2 4, तो 4 oxygen और 4 और हाइड्रोजन 2 और ये 2, टोटल हाइड्रोजन गिन लो 4। अब इसका मोलर मास निकाल लो आप, इस तरह से हम निकाल देते हैं यहाँ पर, 3 into carbon + 4 into oxygen + 4 into hydrogen। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे बच्चों, मोलर मास का कॉन्सेप्ट आपको पता है। कार्बन का मास 12 होता है, यहाँ 3 carbon है, प्लस ऑक्सीजन का मास 16 होता है, प्लस 4 into 1 hydrogen का मास 1 होता है। इसको सॉल्व कर लो, 12 3 जा 36 प्लस 64 प्लस 4, हाउ मच कितना आ जाएगा, 4 और 4 8 8 और 6 14, कैरी का 1, इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 7 और 3 10 104। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा मेलोनिक एसिड का मोलर मास कितना हुआ बच्चों, 104। ये मेलोनिक एसिड है, फॉर्मूला याद रखने का तरीका, इसमें दोनों C OH के बीच में एक बार CH2, C OH के बिटवीन में 2 times CH2, इसमें C OH के बिटवीन में 3 times CH2 और इसमें 4 times। अब इसको मर्ज करके इस तरह से मोलर मास निकाल लो आप। तो अब इसको मैं मर्ज करने जा रहा हूँ, किसको बच्चों, सक्सिनिक को। यहाँ जगह नहीं है, इधर देख लो आप कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4, तो मैं इसको रेड पेन से लिख लेता हूँ, 4 carbon। ऑक्सीजन कितने, 2 और 2 4, 4 oxygen। हाइड्रोजन कितने, 2 2 4 4 और ऊपर नीचे 2 6, S6। बच्चों मास निकाल लो अब आप, 4 into 12, अब 4 into 12 कार्बन का मास 12 प्लस 4 into ऑक्सीजन का 16 प्लस
सिक्स इंटू हाइड्रोजन का वन, अब इसको सॉल्व करो क्या होता है मास, हाइड्रोजन का वन होता है ये पूरा आपको पता ही अच्छे से। अब इसको सॉल्व कर दो कितना आ जाएगा, 12 फॉर द 48 प्लस 16 फॉर द 64 प्लस 6, इस पूरे को सॉल्व कर लो, 6 और 4 10, 10 और 8 18, कैरी का लग गया 1, 6 और 1 7, 7 और 4 11, 118 ग्राम क्या आएगा बच्चों, 118 ग्राम। नाउ ग्लूटामिक एसिड, इसको फोल्ड कर दें हम, जॉइंट कर लें, कार्बन कितना है 1 2 3 4 5, हियर कार्बन 5, हियर कार्बन कितने हैं बच्चों, ऑक्सीजन कितने हैं 2 और 2 4, हाइड्रोजन कितने हैं ऊपर नीचे 2 और बीच में 2 4 6 6 और 2 8, तो H आ गया बच्चों 8। अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, इसका मोलर मास निकाल दें, तरीका आपको पता है, 5 इंटू कार्बन प्लस 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन प्लस 8 एटम ऑफ हाइड्रोजन। नाउ सॉल्व इट, कार्बन का मास होता है 12 इंटू 5 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का मास 16 प्लस 8 इंटू हाइड्रोजन का मास 1। चलो अब इसको सॉल्व करें, 12 5 60 प्लस 64 प्लस 8 सॉलिड कितना आ जाएगा बच्चों, 8 और 4 कैरी का 2, 8 फॉर 12, 12 और कैरी का 2, 6 और 6 12, 12 और 1 13, 132 ग्राम। आई होप अब आपको मोलर मास निकालना कुछ हद तक आ गया होगा, बहुत प्रैक्टिस करवाई है मैंने मोलर मास की, इनका मोलर मास मैंने होमवर्क में दिया था, ये आपको होमवर्क सॉल्व करवा रहा हूँ, आपने किया भी होगा। अब इसको फोल्ड कर दो, 1 2 3 4 5 6, हियर 6 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, ऑक्सीजन 2 और 2 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने हैं ऊपर नीचे 2, बाकी 2 4 6 8, 8 और 2 10, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ गए 10। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, 6 इंटू कार्बन प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन प्लस 10 इंटू हाइड्रोजन। नाउ सॉल्व इट, वैल्यू पुट कर दीजिए, 6 इंटू 12 होता कार्बन का मास, 4 इंटू ऑक्सीजन का 16 प्लस 10 इंटू हाइड्रोजन का 1 आ जाएगा 72 प्लस 64 प्लस 10 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 4 और 2 6 कैरी का लगा 1, 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 और 7 15, 156 ग्राम। तो अब आपको ये ओ माई स्वीट ग्रीन एप्पल का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एडिपिक एसिड, वैसे तो आपको ये 12th में पूरा काम आने वाला ऑर्गेनिक में भी, तो आप सीधे फॉर्मूलों को रटोगे, कहीं भूल भी गए तो आपको कैसे याद रखना, फिर से बता रहा हूँ, COH, एक बार बीच में CH2 आएगा, दोनों छेड़े पे CH2, फिर दोनों एज पे COH, और बीच में दो बार CH2 टू टाइम, इसमें 3 टाइम और लास्ट वाले एडिपिक में 4 टाइम। तो आई होप इस तरह के आप ट्रिक्स बनाओ। अब आपको यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ईच एंड एवरी एलिमेंट का मोलर मास निकालना आया होगा बच्चों, ऐसी एक्सपेक्टेशन आपसे रख सकता हूँ, फिर भी किसी को पता नहीं चले तो आप पर्सनली बिना बेझिझक मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में रहिए कि सर ये सिखा दो, तो मैं आपको मना नहीं करूँगा, वॉइस मैसेज द्वारा 10 बार सिखाऊंगा। इसलिए आपको ज़रा भी किसी प्रॉब्लम आए तो मुझे आप पूछना। अभी तक बहुत सारे बच्चों में से कोई 2-3 बच्चे डाउट पूछते हैं, सॉल्व करता हूँ मैं उनके, बाकी के बच्चे भी हमारे साथ ऐड हो जाइए बच्चों, आपका नॉलेज और कॉन्सेप्ट बेस क्लियर हो गया तो आप ग्रिप पकड़ लोगे टीचिंग की, फिर आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप कंटिन्यू व्हाट्सएप से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं आए तो मुझे पूछ लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ आप कांटेक्ट में रहो बच्चों। फिर से एक दो एग्जांपल और करवा दूँ ताकि आप मोलर मास में कभी अब आज की बात भूल ना आए। जैसे मैंने आपको दे दिया KMnO4, इसको कहते हैं हम पोटेशियम पर मैग्नेट। दूसरा मैं अभी आपको थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे देता हूँ, जैसे मैंने कह दिया आपको कि बच्चों CaCO3। तीसरा मैंने आपको दे दिया NaCl, सोडियम क्लोराइड। चौथा फोर्थ मैं यहाँ रख रहा हूँ, अब 5 प्रॉब्लम कराऊंगा फिर मैं सीधा जाऊँगा अगले टॉपिक पे, मोल कॉन्सेप्ट में मोल निकालना सिखाऊंगा आज आपको बच्चों। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा NaCl, फिर एक ले लेता हूँ K2Cr2O7। चलो और एक और ले लेते हैं बच्चों, और भी एक इस तरह से एक ले लिया, सपोज हमने Na2CO3.10H2O। अब यहाँ बीच में डॉट लगा हुआ है, तो अब इनका मोलर मास कैसे निकालोगे, ये कौन सा एलिमेंट है बच्चों, पोटेशियम, पोटेशियम के इसका 1 एटम है, प्लस मैग्नीज Mn, Mn का भी 1 एटम है,
देखो इस तरह से लिख लो आप, और कुछ नहीं करना है आपको, बहुत आसान सा काम है। प्लस फोर एटम ऑफ ऑक्सीजन है, रख लिया आपने। अब बच्चों क्या करना है, आपको पता है के इज द कैलियम, के फॉर कैलियम, कैलियम पोटेशियम का लैटिन लैंग्वेज में नेम होता है कैलियम। इसका मास रख दीजिए 39 इंटू 1 प्लस 1 इंटू मैग्नीज का मोलर मास कितना होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए 55 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का 16, 64 प्लस 55 प्लस 39। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लो 6, 5 और 9 कितना हो गया, देखो मेरे हिसाब से कितना हो जाएगा, 6 और 4 9 और 9 और 9 18, कैरी का लगा 1, 7, 5 12, 6 और 1 कैरी का 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 158 ग्राम। आपको पूछे व्हाट इज द मोलर मास ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको कहा जाता है पोटेशियम पर मैग्नेट। ईच एंड एवरी केमिकल्स का नाम यहाँ तक पहुँचते पहुँचते थोड़ा थोड़ा आपको पता हो जाना चाहिए, मोलर मास में मास एलिमेंट का पता होना चाहिए। इसको क्या कहोगे बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, सेकेंड एग्जाम्पल CaCO3। तो यहाँ पर कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, मास उसका 40 होता है। तो हियर वन एटम ऑफ कैल्शियम प्लस वन एटम ऑफ कार्बन एंड थ्री एटम ऑफ ऑक्सीजन। नाउ यू हैव टू पुट द मास ऑफ ईच एलिमेंट, कैल्शियम का मास 40 प्लस कार्बन का मास 1 इंटू 12 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का मास 16, तो कितना हो जाएगा ये 48 प्लस 12 प्लस 40 कितना हो जाएगा बच्चों, इसका मास टोटल आ जाएगा 100 ग्राम। तो आपको पूछे व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम, ये NaCl जो हम घर में यूज़ करते हैं, सॉल्ट होता है, सिंपल सॉल्ट जो खाने के लिए यूज़ करते हैं, तो NaCl का मोलर मास क्या आएगा बच्चों, NaCl, इसमें मोलर मास निकालना है। तो सोडियम का मास कितना होता है यार, सोडियम वन एटम है, वन एटम ऑफ सोडियम प्लस वन एटम ऑफ क्लोरीन, तो सोडियम का मास 23 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 35.5, हाउ मच इट, 35.5 प्लस 23 कितना आ जाएगा बच्चों, 58.5 ग्राम। तो सोडियम क्लोराइड का मोलर मास कितना आ जाएगा, 58.5 ग्राम। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे सारे। अब आप और कोई भी केमिकल्स देखो, उसका नाम जानने की कोशिश करो, उसका मोलर मास निकालने की कोशिश करो, बुक में दिए होंगे ईच एंड एवरी एलिमेंट का मोलर मास, आपको धीरे धीरे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पता हो जाना चाहिए बच्चों, तभी आप केमिस्ट्री में ग्रिप बन पाओगे, आगे की पूरी मोल कॉन्सेप्ट समझ में आएगी। फिजिकल केमिस्ट्री 12th की हो, चाहे 11th की हो, जी की हो, नीट की हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की हो, आपको समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। आपको पूछे कभी कि व्हाट इज द फॉर्मूला पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो आपको पता होना चाहिए K2Cr2O7। तो हम निकाल लेते हैं बेटा K2Cr2O7 का मोलर मास, वैसे तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगे, टोटल 294 आएगा एग्जाम, लेकिन कैसे आया। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा K2Cr2O7, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो बच्चों टू एटम ऑफ हियर पोटेशियम प्लस टू एटम ऑफ क्रोमियम प्लस सेवन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये बेसिक चीज़ें हैं, आप पहले इस पर कमांड करो तो आगे बढ़ पाओगे। अब आपको पता होगा पोटेशियम का मास होता है बच्चों 39 इंटू 2 प्लस 2 इंटू क्रोमियम का मास होता है 52 प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन का मास होता है 16। अब इसको सॉल्व कर लो आप, या तो इसको ब्रैकेट में ही रख लो, चलो यहाँ 16 और यहाँ 52, चलो अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, आपका आंसर आना चाहिए 294, देख लीजिए आप 294 ग्राम। देखो आप करके देख लीजिए, दो मिनट का टाइम देता हूँ, कहीं मिस्टेक है तो बताओ, देखिए कैलकुलेशन में कहीं भूल नहीं हुई हो। 39 इंटू टू प्लस, पूरा सॉल्व कर लीजिए, 39 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा ये, 78 आ जाएगा यहाँ पर, चलो इसका मास हो गया 78 प्लस 22 जा 4 और 5 टू जा 10 104 और ये 16 इंटू 7 कर दीजिए बच्चों, कितना आ जाएगा ये 112। अब इसको ऐड कर लो तो 294 आना चाहिए। K2Cr2O7 का मोलर मास कितना होता है 294, 112 प्लस 104 प्लस 78 294 बराबर है बच्चों, 294 क्लियर है यहाँ तक की सारी बातें। तो ये 294 ग्राम किसका मोलर मास हुआ, K2Cr2O7 का। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ बच्चों आपके साथ, नट्टू कोथली Na2CO3.10H2O, फिफ्थ नंबर का कॉन्सेप्ट पे जाते हैं हम, Na2
CO3.10H2O। चलिए देखिए, हियर टू एटम ऑफ सोडियम, देख लो बच्चों सोडियम के दो एटम है, वन एटम ऑफ कार्बन प्लस थ्री एटम ऑफ ऑक्सीजन प्लस 10 एटम ऑफ वाटर। वाटर का आप पूरा भी लिख सकते हो, आपको पता है H2O का ऐसे निकाल दो। सोडियम का मास होता है 23 × 2 प्लस 1 × कार्बन, कार्बन का मास होता है 12 बेटा, 1 × 12 प्लस 3 × ऑक्सीजन का 16। अब बच्चों 10 मोल ऑफ वाटर, वाटर का मोलर मास आप जानते हो, इस तरह से अलग भी निकाल सकते हो, दो एटम हाइड्रोजन के प्लस 1 एटम ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का 16 और इसका 1 × 2, तो 2 प्लस 16 कितना आ जाएगा बच्चों, ये 18 ग्राम हो जाएगा। तो इसको 18, वाटर के 10 मॉलिक्यूल है, तो ये हो जाएगा 180 प्लस 48 प्लस 12 प्लस 46। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 180, हाउ मच आंसर कितना आ जाएगा इसका, बोलिए देखें। 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 180, हाउ मच, 286। देख लीजिए एक बार इसको, 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 180 इज इक्वल टू 286। तो नाउ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा 286 ग्राम। इसको क्या कहते हैं बच्चों, Na2CO3.10H2O का नाम है बेकिंग सोडा, या फिर सॉरी बाय मिस्टेक इसको कहते हैं वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट, आप 10th में पढ़ के आए हो वॉशिंग सोडा, खोने कपड़े धोने के लिए अगर यूज़ करते हैं हम इसको। तो अब मैं मोलर मास में इतनी ही बात करूँगा, आई होप अब आप सीख ही गए होंगे मोलर मास निकालना। कोई और कोई भी कंपाउंड का आपको मोलर मास नहीं निकले तो मेरे साथ बात करना बच्चों। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ, अब मैं मोलर मास के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। आज मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों बहुत आसान से चीज, मोल निकालना, व्हाट यू नो अबाउट मोल, मोल कैसे निकाला जाता है, मोल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ध्यान देना। सबसे पहले आज नए टॉपिक में जा रहा हूँ, टॉपिक हमारा टू मोल। मोल को हम केमिस्ट्री में डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, नंबर ऑफ मोल। इसका फॉर्मूला होता है वेट या मास, वेट इन ग्राम गिवन मास, वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास अपॉन मोलर मास, ऐसा रख दीजिए। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ गिवन मास या एक्चुअल मास, कुछ जगह ऐसा लिखा हुआ भी दिखेगा आपको, एक्चुअल मास जो कि दिया गया मास है अपॉन मोलिकुलर मास मोलर मास। अब बच्चों आपको मैं एक एग्जांपल कराता हूँ, बहुत आसान है मोल निकालना। सपोज मैंने आपको कहा कि 200 ग्राम, एक प्रॉब्लम लेता हूँ बहुत आसान सी, 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में मोल कैलकुलेट करो। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, N, इसको N से डिनोट करते हैं, मोल बराबर N, मैं ऐसा लिख देता हूँ। अब इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल मास या गिवन मास, गिवन मास मीन्स W, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। शॉर्ट में आपको इसका फॉर्मूला इस तरह से भी दिखेगा, W इन ग्राम अपॉन M W या M ग्राम, ये इसको M2 भी लिखते हैं कुछ लोग, अलग अलग बुक में अलग अलग ढंग से लिखा होता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वेट दिया गया, वेट कितना है बच्चों, 200 अपॉन ये N तो मोल का सिंबल है, अपॉन मोलर मास किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। अभी आपको मैंने मोलर मास निकालना सिखाया होगा, अब यहाँ तक किसी बच्चा, कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसको मोलर मास निकालना ना आए, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का एक एटम है और जिसका मास होता है 40, तो 1 × 40 प्लस कार्बन का वन एटम है प्लस थ्री एटम ऑक्सीजन के हैं। बच्चों वैल्यू पुट कर दीजिए, कार्बन का मास 12 प्लस 3 × 16 48 प्लस 12 प्लस 40 कितना आ जाएगा बच्चों, 100 ग्राम। तो ये आ गया कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 ग्राम। तो गिवन मास 200 अपॉन 100 कितना मोल हो गया बच्चों, 2 मोल, कितने मोल हुए, 2 मोल। तो आई होप आपको मोल निकालना आया होगा। और एग्जांपल मैं देता हूँ एक दो, मोल का फॉर्मूला क्या है, वेट अपॉन मोलर वेट या एक्चुअल मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, बहुत आसान और भी तरीके हैं मोल के, लेकिन आज मैं आपको एक ही तरीका, इसको कॉपी कर लिया होगा आपने। चलो आगे बढ़ते हैं हम, सपोज करो आपको कहा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग, 5 एग्जांपल मैं आपको कराता हूँ,
बहुत अभी मैं कोई ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन नहीं डालने वाला हूँ, बहुत स्पीड से बहुत हाई लेवल पे चले जाए तो आपको दिक्कत हो सकती है। बहुत आसान सी प्रॉब्लम लेते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल मोल इन फॉलोइंग, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। पहला आपको दिया, सपोज मैंने दे दिया 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90 ग्राम ऑफ H2O, नोट करते रहो बच्चों। दूसरा मैंने आपको दिया सपोज 90 ग्राम H2O के बाद 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। तीसरा हमने आपको दे दिया बच्चों 80 ग्राम ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फोर्थ मैंने आपको दिया 180 ग्राम ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और फिर मैंने आपको इस तरह से एक पांचवा एग्जांपल दिया, 500 ग्राम ऑफ कैल्शियम, खाली कैल्शियम एटम, इसमें मोल निकालना है। तो बच्चों मोल का फॉर्मूला आप अब अच्छे से जानते होंगे, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मोल। मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है इसमें, 90 अपॉन वाटर का मोलर मास। आप जानते हो H2O का मोलर मास, आपको बहुत बार सिखाया मैंने, 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का 16, तो 16 प्लस 2 इंटू 1 ये आ जाएगा 2 प्लस 16 18 ग्राम। आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो तो कितना आ जाएगा, 5 मोल। कितना मोल आया यहाँ, 90 ग्राम वाटर के अंदर पानी के मोल कैलकुलेट करो तो 5 मोल आ गए। 180 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलर मास आपको पता है। दूसरा एग्जांपल, ये पहला ख़त्म किया हमने, दूसरा एग्जांपल बच्चों मोल का 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, मोलर मास निकालना सिखाया हुआ है। मेरी क्लास में बैठा हर एक बच्चा यहाँ तक मोलर मास निकालना सीख गया होगा। अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो ये तो आपको आना ही चाहिए। 6 एटम ऑफ कार्बन, 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों ध्यान दो, 6 इंटू कार्बन का मास 12 प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस 6 इंटू 16, नाउ 72 प्लस 12 प्लस 96, कितना हो जाएगा ये 180। तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है बच्चों, 180 ग्राम। यहाँ रख लीजिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास, 180 बाई 180, 1 मोल। तो 180 ग्राम ग्लूकोज में मोल कितना होगा, 1 मोल होगा। किसी के अंदर मोलर मास निकालना और मोल निकालना आपको आ गया होगा ईच एंड एवरी कंपाउंड के अंदर। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है, वो है आपका 80 ग्राम ऑफ NaOH। तो मोल का फॉर्मूला सिंबल N और गिवन मास 80 ग्राम और NaOH का मोलर मास, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास। सोडियम का मास 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 140। डायरेक्ट कर रहा हूँ अब मैं, समझ जाना, 2 मोल आ जाएंगे बच्चों। चौथा, फोर्थ एग्जांपल, 180 ग्राम ऑफ KOH, KOH को कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो गिवन मास 180 ग्राम अपॉन मोलर मास, K बोले तो पोटेशियम, लैटिन नेम पोटेशियम का कैलियम, कैलियम का मास 39, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, इस पूरी को सम करो तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास 56 होता है बच्चों। तो अब इसको 56 से डिवाइड कर दो, कितने मोल आ जाएंगे, 180 डिवाइड बाई 56, कितने मोल आएंगे बच्चों, फटाफट करो, 180 डिवाइड बाई 56, हाउ मच मोल, 3.21 मोल, दिस इज योर मोल। नाउ एग्जाम्पल नंबर बच्चों फिफ्थ, 500 ग्राम ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का मास बच्चों, कैल्शियम का मास। फिफ्थ एग्जाम्पल में पहुंच गया हूं मैं, मोल का सिंबल N, गिवन मास 500 ग्राम और कैल्शियम का मास आपको पता होगा 40, तो मोल कितना आएगा, कैल्शियम का मास 40, तो कितना मोल आ जाएगा बच्चों, फटाफट करिए, देखें 50 डिवाइड बाई 500 डिवाइड बाई 40, हाउ मच मोल यू गॉट, 12.5 मोल, कितना मोल आएगा इसमें, 12.5 मोल। तो आई होप, थैंक्स स्टूडेंट, आज यहाँ तक आपको मैंने सिखाया, आपको समझ में आ गए होंगे 5 के 5 एग्जांपल। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप घर पे ट्राई करना मोल निकालने की, नहीं पता चले तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो स्टूडेंट, मोल पे आप पहुँचे हो, एक मेथड है मोल की, ऐसे बहुत सारे मोल कॉन्सेप्ट में आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, मोलर मास और मोल, उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला और बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी आपको और ट्रिक्स भी मिलेंगे साथ साथ। जाते जाते आज का हमारा ट्रिक्स है वो आपको नॉन मेटल याद रखने का एक ट्रिक्स दिमाग में रखना बच्चों, क्या होती है नॉन मेटल्स, उसका एक ट्रिक्स देता हूँ। नाउ लर्निंग टिप्स, क्या लर्निंग टिप्स दे रहा हूँ मैं आपको और एक होमवर्क दे रहा हूँ, जाते जाते एक लर्निंग टिप्स आप दिमाग में रखो। क्या है लर्निंग टिप्स हमारा,
नॉन मेटल्स, पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल कैसे याद रखें, तो नॉन मेटल को याद रखने के लिए एक लर्निंग टिप्स दे रहा हूँ। क्या टिप्स है बच्चों नॉन मेटल को याद रखने का? बोले शिव जी ऐसी तेरी आत्मा गीत सब गाए, पहले मैंने ऑनलाइन में पढ़ाया था, फिर से देख लो, बोले इसको इस तरह से लिखो, बोले शिव जी ऐसी तेरी आत्मा, ऐसी तेरी आत्मा गीत सब गाए, गीत सब गाए, गीत सब गाए। नाउ नोट करो, बोले से बोरॉन, शिवजी से सिलिकॉन, ऐसी से आर्सेनिक, तेरी से टेल्यूरियम, आत्मा से एटेस्टिन, सब बोले तो एंटीमनी SB, गीत बोले तो जर्मेनियम, गाय बोले तो गैलियम। ये एलिमेंट के नाम होते हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, एटेस्टाइन, स्टरबिन, एंटीमनी का लैटिन नाम स्टरबिन, और गैलियम एंड जर्मेनियम। ये सब क्या होती है बच्चों? न मेटल होती है और न नॉन मेटल होती है, ये होती है सेमी मेटल। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुआ, सेमी मेटल होती है। क्या होती है बच्चों? सेमी मेटल, जिसको हम कहते हैं मेटेलोइड्स, मेटेलोइड्स या फिर इसका दूसरा नाम सेमी मेटल। सेमी मेटल को कैसे याद रखना है? तो इनको कहते हैं सेमी मेटल, जो ये न मेटल है न नॉन मेटल है। मेटल को कैसे याद रखना उसका भी टिप्स दूंगा, नॉन मेटल का भी टिप्स आपको दूंगा। ये है मेटेलोइड्स या फिर सेमी मेटल, मतलब मेटल भी नहीं है, नॉन मेटल भी नहीं है, क्या है? सेमी मेटल है, मेटेलोइड्स कहते हैं इसको। तो बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलूरियम, एंटीमनी, एटेस्टिन, गैलियम, जर्मेनियम इज सेमी मेटल और मेटेलोइड्स। तो ये आज का हमारा एक लर्निंग टिप्स है, ऐसे इस तरह से आप गाना बना के उसको याद रख सकते हो। अब मैं आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों, एक लास्ट होमवर्क आप घर से करके लाना। ये कैलकुलेट मोल, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोविंग, मैं कुछ लिख रहा हूँ उसमें आप नंबर ऑफ मोल्स, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, नोट करना। ये मोल आप घर से जरूर निकाल लेना, पहला दे रहा हूँ आपको, नोट करना। 80 ग्राम ऑफ Na, सेकेंड 80 ग्राम ऑफ सोडियम, सेकेंड आपको दे रहा हूँ 294 ग्राम ऑफ FeSO4.7H2O, ये थोड़ा सा लॉन्ग है, इसका मोलर मास निकालना आना चाहिए आपको। थर्ड दे रहा हूँ आपको मैं 1000 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर बोले तो H2O, और नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ वो इस तरह से दे रहा हूँ, नोट कर लो, इसको कहते हैं 203 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, मेरे पढ़ाया हुआ है क्लास में, जो रेगुलर मेरा लेक्चर देखता है उसको ऑक्जेलिक एसिड पता होगा, और ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास भी मैंने आज के लेक्चर में सिखाया है ऑक्जेलिक एसिड। और दूसरा दे रहा हूँ आपको मैं फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, जो होमवर्क में मैं रख रहा हूँ आपके सामने, वो इस तरह से है 1200 ग्राम ऑफ KMnO4 में मोल निकालो। तो बच्चों ये 5 आपको होमवर्क में दिए, मोल निकाल लेना। इसमें किसी को डाउट आए तो मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज करो, मैं ये मोलर मास की प्रैक्टिस करो, फिर कल से हम चैप्टर के अंदर आगे बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर विजिट, रेगुलर जुड़े रहो बच्चों, धीरे धीरे आप आगे बढ़ जाओगे और ये कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो केमिस्ट्री फिजिकल आपके अंडर आ जाएगी, फिर ऑर्गेनिक फिजिकल के भी कुछ ऐसे शॉर्टकट कॉन्सेप्ट धीरे धीरे सिखाते रहूँगा। रोज़ का एक लर्निंग टिप्स और वो 5 जो कुछ खास, इन सब चीज़ों को रख के केमिस्ट्री को बहुत आसान किया जा सकता है। मेन केमिस्ट्री में दिक्कत क्या होती है बच्चों को? सर समझ में सब कुछ आता है लेकिन याद नहीं रहता लास्ट तक। तो ऐसे बहुत सारे लॉजिक और लर्निंग टिप्स जानने के लिए मैं आपको आपके साथ हूँ बच्चों अंतिम दिन तक, तो इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ फिर से, और व्हाट्सअप कर देना जिसको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर किसी भी दिक्कत है तो मुझे व्हाट्सअप जरूर करना बच्चों कोई भी क्वेश्चंस में। ओके थैंक्स।